आओ आज तो खेल खेल के बहुत ही ज्यादा मैं थक गया हूँ। चलो फटाफट से घर चलते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे एक गन कहाँ से आई? अरे ये किसकी गन है? चलो इसको ले चलता हूँ घर पे, इसके साथ खेलूंगा, मजा आएगा। अरे बस फ्रैंकलिन घर पे जाके खाना दे दे तो मजा ही आ जाएगा। चलो चलो घर पे चलते हैं। अरे ये शिनचैन और ये फ्रैंकलिन फिर क्यों लड़ रहे हैं? अबे शिनचैन मैं तेरे को बोल रहा था ना, मेरी नहाती हुई वीडियो यार इंस्टाग्राम पे मत डालना, तूने क्यों डाली? ये भी यार मैं तो ऐसी देख रहे थे, बस गलती से लग गई। अबे ऐसे कैसे गलती से लग गई? तूने मेरे को इतनी बार बोला कि डाल दूंगा, मैं तेरे को मना किया था फिर भी तूने डाल दी। आओ फ्रैंकलिन क्यों लड़ रहे हो? अरे लड़ो मत, ये देखो मेरे को क्या मिला। अभी ये क्या बंदूक है? अभी इस बंदूक से मेरा मन हो रहा है शिनचैन का भेजा उड़ा दूं। ये साले यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, इसने मेरी नहाते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दी। मुझे यार सही में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं सब मार दूंगा। अब एक सेकंड, ये क्या हुआ? ये कुर्सी गायब हो गई? ए मेरी आंखें खराब हो गई लगता है। अबे एक सेकंड, दूसरी वाली भी गायब हो गई। अबे रुक जा, मेरी आंखें तो ठीक है ना? ये तो गोल्ड है। अबे चौप, ये गन कहाँ से लेके आया? आओ ये तो मुझे पड़े मिले, मैं उठा के लेके आ गया। अबे जो ये गोल्ड आ रहा है वो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? एनी वे की हमें भी दिखाई दे रहा है। अबे इस बार तो और ज्यादा गोल्ड आ गया। आओ ये तो सही में गोल्ड है। और एक सेकंड, मैं जो सोच रहा हूँ वही तो नहीं है क्या? इस गन से किसी भी चीज को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रुको रुको रुको, अभी क्या मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, फटाफट से बाहर चलते ये गाड़ी पे टेस्ट करते। एक सेकंड भाई, ये तो सही में गोल्ड आ गया भाई, किसी भी चीज को मारने पे मुझे गोल्ड मिल रहा है। ये ले ये ले ये ले। अरे भाई साहब, तीन डस्टबिन को तोड़ा तो उसका भी गोल्ड बन गया। भाई साहब ये गन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे एक और चीज टेस्ट करनी। रुको रुको, कोई गाड़ी नहीं आ रही क्या? अरे कोई आ क्यों नहीं रहा? शिनचैन जल्दी बाहर आया। ए फेकी भी क्या हो गया? अरे अंकल बाहर उतरो। भाई सर मुझे पता चल गया, अगर मैं किसी छोटी चीज को मारूंगा तो कम गोल्ड आएगा और किसी बड़ी चीज को मारूंगा तो ज्यादा गोल्ड आएगा। तो अभी मैम ने यहाँ से गाड़ी उठा ली और मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आइडिया है, मैं सीधे जाने वाला हूँ अभी एयरपोर्ट और बहुत ही बड़े वाले प्लेन पे ये बंदूक चलाने वाला हूँ, फिर तो मुझे बहुत सारा गोल्ड मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट पर। तो गाइस हम एयरपोर्ट तो पहुंच गए पर यहाँ पे इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों है? अरे अंकल गेट खोलो ना। अरे भैया तुम अंदर नहीं जा सकते, अभी एयरपोर्ट पर हड़ताल चल रही है। हैं मतलब? आज के दिन एयरपोर्ट सर्विसेज सारी की सारी बंद है, कोई भी लॉस सेंटर्स में प्लेन नहीं उड़ा सकता क्योंकि सबके सब हड़ताल पर है, तो आज आप अंदर नहीं जा सकते, कल आना। अंदर प्लेन तो होगा ना? नहीं, सारे के सारे पायलट अपना प्लेन लेके घर भाग गए। अरे यार ये क्या हो गया, मैंने तो तब बढ़िया प्लान बनाया था। कोई बात नहीं कल आएंगे। अबे कल क्या आएंगे, पता चला भाई ये गन वन कहीं चली गई। नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। शिनचैन गाड़ी बैठ, मैं कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। यही देखिए पर क्या करोगे? रुक जा रुक जा, कुछ ना कुछ सोचते दिमाग लगाते फटाफट से। और आईडिया गाइस, यार मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आईडिया है, मैं यार इतना सारा गोल्ड इकट्ठा कर लेता हूं कि मैं खुद का प्लेन खरीद सकूं, और अगर मैं खुद का प्लेन खरीद सकूंगा तो मैं अपने घर पे उड़ाऊं चाहे कहीं पे उड़ाऊं। तो यार मुझे फटाफट से पहले बहुत सारा गोल्ड जमा करना पड़ेगा, पर वो कहां से मिलेगा मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। यही देखिए भैया क्या सही में अपन प्लेन खरीदेंगे? अरे हां शिनचैन, अरे एक सेकंड, मेरे पास एक आईडिया है। इसको भी फटाफट से मार देता हूँ, और यहाँ पे भी गोल्ड आ चुका है। मुझे पता लग गया है मुझे कैसे गोल्ड जमा करना है, मैं लॉस सैंटोस की सारी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। और मेरे को यार एक और चीज टेस्ट करनी, मैं जा रहा हूं अभी साइमन के पास, उसके शोरूम में जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं उन पे मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि कितनी यार मुझे गोल्ड मिलता है। तो फटाफट से अभी साइमन के अपन शोरूम पे चलते हैं। और गाइस यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, और यहां चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम यार 500 के बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। और हम ये साइमन के शोरूम पर भी आ चुके हैं। साइमन साइमन, तो साइमन को भी मैंने सारी की सारी चीजें समझा दी मैं क्या करना चाहता हूं। उसने बोला अगर कोई भी गाड़ी खराब हुई तो पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, पर मुझे तो पता है ये सारी सारी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट होने वाली है, और ये हो चुके गोल्ड में कन्वर्ट। इतना सारा गोल्ड यहाँ पे आ चुका है, अगर मैं महंगी गाड़ी पे मारूंगा तो भाई मुझे ज्यादा ज्यादा गोल्ड मिलेगा। साइमन देख ले भाई, इतना सारा गोल्ड लेते तूने जिंदगी का भी देखा है, अभी तुझे भी गोल्ड का बना देता हूँ। अबे ये क्या हुआ, एक सेकंड, अबे ये गोल्ड का एक एप्पल आ गया यहाँ पे। अबे साइमन की क्या इतनी सी कीमत थी? वही तो बहुत ही बढ़िया है। चलो मुझे अब आइडिया मिल चुका है, लॉस सैंटोस की सारी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। ये भी कन्वर्ट हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी सारी की सारी गाड़ियां होने वाली आज गोल्ड में कन्वर्ट। एक गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, मुझे कैसे भी करके बड़ा सा प्लेन खरीदना है ताकि उसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करूं तो मुझे बहुत सारा गोल्ड मिले, बहुत सारा मजा आएगा। तो फटाफट सारी सारी गाड़ी गोल्ड को कन्वर्ट करते जाते हैं, मुझे बहुत सारा गोल्ड चाहिए। गाइस अभी देखो तो हर जगह रोड पे कितना ज्यादा गोल्ड हो गया है, तो अभी इन सबको पहले इकट्ठा करते हैं, फिर देखते हैं मेरे पास कितना गोल्ड हुआ है। तो गाइस अभी ये सारा का सारा गोल्ड हमने यहाँ पे रखते जितना अभी हमारे पास है, पर ये मुझे लगता नहीं कि इससे एक मैं प्लेन खरीद पाऊंगा, वो भी सबसे बड़ा वाला। तो मुझे लगता है अभी मुझे और भी गोल्ड
इकट्ठा करना पड़ेगा यार, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। अगर ये दो दो गन होती तो मजा आता, आधे शिनचैन करता आता मैं करता, पर कोई बात नहीं, अभी अपन चलते हैं फटाफट से और यार गोल्ड जमा करते हैं। तो गाइस जहां से लॉस सेंटोस की सारी बोट्स निकलती है अभी उस जगह मैं आ चुका हूं, और यहां पे बहुत सारी बोट्स है जिनको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं गोल्ड में। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई महंगी है, कोई सस्ती है, तो हम सबको गोल्ड का कन्वर्ट कर देंगे, फिर देखते हैं कितना गोल्ड मिलता है, सब चीजें गोल्ड की कर सकता हूँ। गाइस अगर आपके पास ये गन होती कि आप किसी भी चीज को गोल्ड का कर सकते हो तो आप क्या क्या गोल्ड का करते, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। और ये सारा का सारा सोना भाई पानी के अंदर आ चुका है, क्योंकि सारी बोट्स यार डूब के मतलब गोल्ड में कन्वर्ट होकर आ चुकी है पानी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड मिल गया। इतना सारा गोल्ड जमा करने में यार मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, मुझे कुछ अच्छा तरीका सोचना पड़ेगा ताकि मैं इजीली बहुत सारा गोल्ड जमा कर सकूं, फिर मैं वो प्लेन ले सकूं, फिर मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके बहुत सारा गोल्ड देख सकूं। एक सेकंड, मुझे हेलीकॉप्टर दिख रहा है, रुको उसको फटाफट से गोल्ड में कन्वर्ट करता हूं। और ये कन्वर्ट हो गया भाई साहब, एक हेलीकॉप्टर में 6 गोल्ड की ट्रे, और यहां पे एक और हेलीकॉप्टर था उसमें भी मुझे बहुत सारा गोल्ड मिला है। गाइस यार मुझे लगता है मुझे यार कोई उड़ने वाली चीज ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड दे रही है, पर यार प्लेन तो है नहीं लॉस सेंटोस में, क्या करूं मैं। एक सेकंड, बहुत ही बढ़िया आइडिया मिला मुझे। तो गाइस मैंने इन भैया से बात करके इनको मैंने दे रहा हूँ थोड़ा सा गोल्ड, और इनसे ले रहा हूँ एक छोटा सा प्लेन जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा गोल्ड में। ठीक है अंकल, आज से आपका गोल्ड हुआ और ये प्लेन आज से मेरा हुआ। तो गाइस ये इतना मैंने गोल्ड दे के ये बढ़िया सा प्लेन ले लिया जिसको भी अभी मैं कन्वर्ट करूंगा। तो अभी यार इसको लेके यहाँ से निकलते हैं, इसके सामने निकलने वाला वरना ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो फटाफट से इस प्लेन में बैठ जाता हूँ और यहाँ से निकल लेते हैं। चलो इसको यहाँ से उड़ा ले चलते, पहले कहीं दूर लेके जाऊंगा वहां पे कन्वर्ट करूंगा, देखते हैं ये छोटा सा प्लेन हमें कितना ज्यादा गोल्ड देने वाला है, फिर उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो बड़ा प्लेन होगा वो कितना ज्यादा गोल्ड देगा। चलो इसको कहीं पे भी पहले लैंड कर लेता हूं अच्छी से। एक काम करता हूं, यहां पे कोई दिख नहीं रहा मुझे, यहां पे मैंने यहां पे लैंड करा दिया, फटाफट से मैं इधर से उतर जाता हूं और इसको फटाफट से कन्वर्ट करके देखते कितना गोल्ड मिलने वाला है। और ये बूम भाई साहब, इतना ज्यादा गोल्ड, एक सेकंड भाई, इतने छोटे से प्लेन में भाई इतना सारा गोल्ड। तो गाइस यार फाइनली वो टाइम आ चुका है इस बिजनेसमैन से, मैं यार इतना सारा गोल्ड देख के खरीदने वाला हूँ ये कार्गो प्लेन। इसको मैंने सारे सारे गोल्ड पकड़ा दिया और ये पूरा का पूरा इतना ज्यादा बड़ा वाला प्लेन मेरा हो चुका है। तो इसको यहाँ से मैं लेके जाने वाला हूँ। आपको तो याद होगा छोटे वाले प्लेन ने हमें कितना गोल्ड दिया था, फिर सोच लो ये कार्गो प्लेन कितना हमें गोल्ड देगा, मतलब वो छोटे से मतलब यार ये 50 गुना ज्यादा बड़ा है। तो यार इसको तो कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शिनचैन तैरना, बिल्कुल तैयार कर दो। और ये बूम, एक सेकेंड, ये क्या, ये टेबल पे सिर्फ इतना सा गोल्ड क्यों आया? अबे वो प्लेन का चला गया। अबे मैंने तो सोचा था कोई अनिल बॉम्ब होगा, ये तो फुसकी बॉम्ब नहीं है। एक सेकंड, इतना सारा गोल्ड। गाइस यार मुझे लगता है वो प्लेन कन्वर्ट हो गया और मुझे बहुत 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 ज्यादा गोल्ड इसने दे दिए। गाइस यार आप देख सकते हो कितना ज्यादा गोल्ड है ये, इतना सारा गोल्ड तो मैंने कभी नहीं देखा। गाइस यार फटाफट से कमेंट बता दो हम इस गोल्ड से क्या क्या खरीदे, जो भी आप बोलोगे वो सब की सब चीजें मैं खरीद लूंगा, मजा आ जाएगा, इतना सारा गोल्ड तो मैंने कभी नहीं देखा। एरी फेकी पे उठो ना, एरी फेकी पे कितने सोगे? अबे शिनचैन क्यों परेशान कर रहे, सोने देना, अब तो इतना सारा गोल्ड है, कौन सा मुझे काम पे जाना है। एरी फेकी पे क्या बोल रहे, कौन सा सपना देख रहे हो? हैं सपना है, मेरे पास गोल्ड नहीं है। अबे यार ये सपना था क्या? एक सेकंड, मेरे पास बंदूक नहीं है, वोली, अरे वोली बंदूक भी नहीं है, अरे ये सब तो सपना था, अरे यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया।